Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. This channel पे हम PhD admission के advertisement और notification discuss करते हैं. So आप यहाँ पे मेरे latest videos देख सकते हो या फिर playlist में जाके आपके favorite institute के हिसाब से videos check कर सकते हो. मेरे upcoming videos के लिए please मेरे channel को subscribe कीजिए, video को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए. वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में. आईआईटी दिल्ली की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं. उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज home.iitd.ac.in. उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे. आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दिखेंगे, जहाँ पे आपको फर्स्ट ही दिखेगा पीजी एडमिशन सेमिस्टर 1 2024-25 पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे आप उनके एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे, वहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा. तो फर्स्टली आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा. इंफॉर्मेशन ब्राउचर मिलेगा और अप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा और जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो फर्स्टली हम एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर लेते हैं. इंग्लिश में हम एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे. तो ये एडवर्टाइजमेंट है आईआईटी दिल्ली की तरफ से. तो यहाँ पे एडमिशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किए गए हैं. सारे डिपार्टमेंट्स के डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो जो डिपार्टमेंट्स है उसको मैं रीड कर लेती हूँ. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स, सेकेंड है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग है. और जो सेंटर्स है उसके लिए अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, ऑटोमेटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ऑप्टिक्स एंड फोनिक्स है, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, फिर सेवन सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसर्च है, इंजरी प्रिवेंशन है, वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग है. और जो स्कूल्स है जैसे अमरनाथ एंड शशि खोसला फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कूल है, भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट है, कसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, फिर स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, फिर ईआरडी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है. तो इन सारे डिपार्टमेंट के लिए पीएचडी के लिए अप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं. तो जो लोग भी जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. और ऑलमोस्ट सभी के लिए एमटेक के लिए भी एप्लीकेशन इनवाइटेड है. तो जो भी एमटेक करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है. तो पीएचडी एमटेक एमएस एमडीएस एमपीपीएस के लिए 6 CGPA होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए. 5% रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए, ठीक है. और जो जिनका डिग्री इन एमए इन इंजीनियरिंग है या फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में है उनको और 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है. तो मतलब कि फॉर एमएससी और एमएस स्टूडेंट जो है उनको 5.5 फॉर जनरल ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और 5 फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब 55% मार्क्स और फॉर जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक के लिए वीकर सेक्शन के लिए और 50% फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए. जिनका एमएससी और एमए है वो लोग अगर 55% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि आपका 55 है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. आपके बाकी के सारे चीजें देखी जाएगी जैसे गेट स्कोर वगैरह सब कुछ देखा जाएगा. तो गेट स्कोर सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन जो
वेवॉक किया है फॉर सीएफटीआई इंस्टीट्यूट, तो जो भी सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से है उनके लिए वेवॉक किया हुआ है गेट्स को। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर ये वेबसाइट पे भी जाके आप कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फी यहाँ पे मेंशन की हुई है 200 रुपीज है फॉर जनरल ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और 50 रुपीज है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट है जैसे पीएचडी है, एमटेक है, एमडीएस है, सबके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 4th अप्रैल है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन जो है कल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 4th अप्रैल तक के, तो ऑलमोस्ट 14 डेज बचे हुए एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसको चेक कर लेते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन की हुई रहेगी, तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है आईआईटी दिल्ली का, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो हम सिर्फ पीएचडी रिलेटेड डिटेल्स जो है उसको ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप पीएचडी सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट सारे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एडमिशन के डिटेल्स दिए हुए हैं, तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो जितने भी डिपार्टमेंट स्कूल वगैरह है वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडमिशन का शेड्यूल जो है मार्च में अक्टूबर में आता है वो तो सबको पता ही है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे एमटेक, एमई, एमडी, एम डिजाइन और इक्विवेलेंट है उनको 60% मार्क्स और 6 CGPA, और नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन जो है अगर गेट नेट ये मैंडेटरी नहीं है। तो जो लोग का भी इंजीनियरिंग हुआ है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी हुआ है, मास्टर इन डिज़ाइन हुआ है, वो लोग को गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बाकी सब है जिनका मास्टर इन साइंस, मास्टर एमबीए, एमए, एमबीबीएस या फिर बीई, बीटेक ये सब हुआ है, उनको नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। आइदर गेट होना चाहिए आपका, नेट होना चाहिए, या फिर जेआरएफ होना चाहिए, या फिर इंस्पायर्ड फेलोशिप वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। बस इंजीनियर, मास्टर इन इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट है और डिज़ाइन है उनको बस गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। फिर एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो एस सी एस टी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, और सभी इसमें अगर बीटेक को 70% मार्क्स चाहिए तो एस सी एस टी के लिए 65% मार्क्स चाहिए रहेंगे, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और जो सी एफ टी आई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने एम एस सी किया है, बीटेक किया है, इंटीग्रेटेड एम टेक किया है, उनके लिए भी आपको गेट नेट क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है, तो वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू पार्ट टाइम और स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, तो सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सेम ही रहेगा, बस इतना है कि यहाँ पे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप जहाँ पे भी एम्प्लॉय है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पार्ट टाइम के लिए, तो एम ई एम टेक के लिए वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी बी टेक के लिए वगैरह वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं उनको जो भी जिस हिसाब से करना है। फिर यहाँ पे मिनिमम पीरियड दिया हुआ है, तो जितना भी है पीएचडी के लिए मिनिमम तो 5 इयर्स है और मैक्सिमम 7 ईयर तक आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो और डिटेल दिया हुआ है, और बाकी अभी एमटेक के बारे में डिटेल दिया हुआ है।
तो जो भी आपको एमटेक में करना है तो आप एमटेक के रिलेटेड सारे डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फर्स्टली न्यू रजिस्टर करके फिर आपको लॉग इन करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस हिसाब से यहाँ पे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप यहाँ पे ईमेल करके उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको जो है 4 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।